क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया की ट्रेन में रात को लड़कियों के साथ क्या होता है? आखिर नॉर्थ कोरिया की इस जादुई ट्रेन से क्यों डरती है पूरी दुनिया? दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपने विदेश यात्रा के लिए एक बहुत ही हाई टेक ट्रेन का यूज करते हैं, जिसे पटरी पर दौड़ने वाली एक अलग दुनिया माना जाता है। इस ट्रेन पर किम जोंग उन को इतना भरोसा है कि कोई दुश्मन या दूसरे देश की सेना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आइए जानते हैं नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की इस जादुई ट्रेन का राज। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी जिंदगी बहुत ही ऐशो आराम से जीते हैं, फिर चाहे उनके देश में खाने की कमी हो या फिर आम लोगों को मेडिकल सुविधाएं ना मिले। किम जोंग उन ना तो खुद बाहरी दुनिया से ज्यादा ताल्लुक रखना पसंद करते हैं और ना ही अपने देश के नागरिक को बाहर जाने की इजाजत देते हैं। इसकी वजह से इस देश के संबंध दूसरे देशों से बहुत ही लिमिटेड है। खबरों की माने तो किम जोंग उन ने 13 साल में सिर्फ 10 विदेश यात्राएं की है, जिसमें उन्होंने केवल चीन और रूस के राष्ट्रपतियों से मुलाकात की है। ये दोनों ही देश नॉर्थ कोरिया की जमीन से जुड़े हुए हैं, लिहाजा चीन और रूस जाने के लिए किम जोंग उन अपनी लग्जरी और शाही ट्रेन का यूज करते हैं। इन ट्रेन को कोरियाई भाषा में तायांगो के नाम से जाना जाता है, लेकिन मीडिया और आम जनता इस ट्रेन को मूविंग फोर्ट्रेस भी कहती है। हरे रंग की ये ट्रेन जब पटरी के ऊपर दौड़ती है तो इसके आगे पीछे दो ट्रेनें होती है। इस ट्रेन के आगे एक ट्रेन होती है जो पटरी पर खतरे और खराबी का सामना पहले करती है और फिर इसकी जानकारी किम जोंग उन की ट्रेन को दी जाती है। इस ट्रेन के अंदर कमांडो होते हैं जो पटरी पर होने वाली छोटी से छोटी गतिविधि पर नजर रखते हैं और कुछ गड़बड़ होने की स्थिति में दुश्मन पर हमला करते हैं। वहीं ट्रायंगो के पीछे दूसरी ट्रेन चलती है जिसमें आर्मी के सैनिक और हथियार होते हैं। इस ट्रेन में आर्मी के जवान किसी भी हमले के दौरान अपने लीडर यानी किम जोंग उन की रक्षा करते हैं, जबकि इस दौरान एक हेलीकॉप्टर ट्रेन को पूरे रास्ते फॉलो करता है और उसकी लोकेशन पर नजर रखता है। लेकिन किम जोंग उन की रक्षा के लिए सिर्फ इतनी सेना और हथियार काफी नहीं होते, बल्कि नॉर्थ कोरिया के हर एयरपोर्ट पर कार्गो प्लेन, सैनिक और हथियार तैयार रखे जाते हैं ताकि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो किम जोंग उन को सुरक्षा दी जा सके। अभी तक तो हमने सिर्फ आपको किम जोंग उन की सीक्रेट ट्रेन के आसपास दौड़ने वाली सिक्योरिटी के बारे में बताया, जबकि उनकी सीक्रेट ट्रेन की खासियत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ट्रायंगो ट्रेन में जितनी खिड़की लगी है उन्हें बुलेट प्रूफ ग्लास से तैयार किया गया है। वहीं ट्रेन की छत और जमीन रेनफोर्स्ड स्टील से तैयार की गई है ताकि ट्रेन को किसी भी हथियार से नुकसान न पहुंचाया जा सके। इस ट्रेन के हर डिब्बे को बहुत ही सुरक्षित बनाया गया है और हर डिब्बे में एडवांस हथियार लगाए गए। इसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है। ये एडवांस सिस्टम आसमान से आने वाली दुश्मन की मिसाइल को रोकने का काम करता है, जबकि ट्रेन के आगे और पीछे वाली बोगी में एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और मशीन गन इंस्टॉल की गई है। इस सिस्टम के जरिए किम जोंग उन की सीक्रेट ट्रेन को सुरक्षित रखा जाता है ताकि अगर ट्रेन में आगे या पीछे से हमला हो तो इन हथियारों के जरिए देश के तानाशाह की जान बचाई जा सके। इस सीक्रेट ट्रेन के अंदर एक हेलीकॉप्टर भी होता है जिसकी मदद से इमरजेंसी में किम जोंग उन को ट्रेन से बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सकता है। जब यह सीक्रेट ट्रेन अपने सफर पर निकलती है तो पूरे नॉर्थ कोरिया में ट्रेन की आवाजाही पर बुरा असर पड़ता है, जो कि किम जोंग उन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पटरी पर किसी दूसरी ट्रेन को दौड़ने नहीं दिया जाता है, जबकि इस दौरान एक पटरी को छोड़कर बाकी सभी पटरियों के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को रोक दिया जाता है। जब किम जोंग उन की सीक्रेट ट्रेन पटरी से गुजरती है तो उसके आसपास दूर दूर तक किसी आम इंसान या रेलवे अधिकारी को खड़े होने की इजाजत नहीं होती है, जबकि इस दौरान पटरियों के पास आर्मी के जवान तैनात रहते हैं। इस सीक्रेट ट्रेन का वजन काफी ज्यादा है, इसीलिए इसकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती है, जबकि कई बार ये ट्रेन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की धीमी रफ्तार से आगे बढ़ती है। जब ये ट्रेन किसी लोकल रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो वहां की सारी लाइट्स को तानाशाह की सुरक्षा के लिए बंद कर दिया जाता है, जबकि स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही को भी रोक दिया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरे नॉर्थ कोरिया में 20 ऐसे रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं जहां सिर्फ सीक्रेट ट्रेन को जाने और रुकने की इजाजत है, क्योंकि ये सीक्रेट ट्रेन बहुत धीमी रफ्तार से चलती है।